सूरज भाई को सपोर्ट करो और इनके चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, ना ही प्रैक्टिकल लिख रहा हूं। आज मैं जा रहा हूँ हमारा जशपुर ज़िला का एक बड़ा यूट्यूबर है विपिन की ब्लॉग और सरोज भगत। तो सरोज भगत से नहीं, विपिन की ब्लॉग से मैं मिलने जा रहा हूँ बगीचा, और वहाँ दीदी लोग भी हैं, मैं दीदी लोग से भी मिलूँगा। एक्चुअली हुआ ये कि मैं उनको मैसेज किया तो बोला भैया आज फ्री हैं क्या, तो वो बोले कि हाँ मैं आज बगीचा आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उनका घर बगीचा से करीबन और 40-50 किलोमीटर दूर है। मेरा घर बगीचा से 40 किलोमीटर दूर होता है और उनका घर बगीचा से मतलब और 40 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर हो जा रहा था। तो उतना दूर से वो आ रहे हैं बगीचा, तो बगीचा किसी काम की वजह से आ रहे हैं, पता नहीं क्या काम है, वो तो उनके पास जाने से ही पता चलेगा। तो मैं उनके से मिलने जा रहा हूँ और मेरा बाइक लेके जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। एक्चुअली मेरे को आज प्रैक्टिकल बनाना था, बट वो आ रहे हैं इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चले चलते हैं यार बगीचा उनसे मिलने के लिए, तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं 30 किलोमीटर सफ़र कर लिया और इतना ठंडा लगा कि क्या ही बोलूँ, आँख से एकदम आंसू आ रहा था, एकदम स्पीड आया, क्योंकि विपिन के ब्लॉग जो भैया बोले थे कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 10 बजने ही वाला है। और यहाँ से बस मेरे को करीबन 15-10 किलोमीटर बाकी है जाने के लिए, और एकदम ठंडा लग रहा है यार। फिर भी मैं भी स्वेटर खोल दिया हूँ क्योंकि सूर्य का प्रकाश मेरा शरीर को पड़े, और एकदम मैं खाना नहीं खाया था सुबह, एकदम जल्दी निकला घर से, आप लोगों को पता है बहुत जल्दी निकल गया था मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं खाना वाना नहीं खाया हूँ, तो अभी मैं नाश्ता करने के लिए रौनी में रुक गया हूँ। यहाँ है रौनी, ये बगीचा से जस्ट ऊपर घाट में होता है, यहाँ भी मैं नाश्ता करने के लिए रुक गया हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ यार, क्योंकि खाना नहीं खाया हूँ, इसके बाद फिर जाते टाइम मिलता हूँ फिर आपसे। तो फ्रेंड्स यार मैं जल्दी फल्दी नाश्ता कर लिया, एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, क्योंकि अगर भैया आके उनका काम करा के चले गए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, उतना दूर से एक्चुअली आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, अब मेरे को करीबन 10 किलोमीटर जाना है और बगीचा अभी घाट है, ये वाला बगीचा क्या बोलते हैं, बगीचा घाट ही बोलते हैं, ये वाला घाट बहुत खतरनाक है, तो मेरे को यहाँ थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा, थोड़ा लेट होगा बट जल्दी कोशिश करूँगा कि जल्दी पहुँच जाऊँ। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार मैं बगीचा पहुंच चुका हूं, बगीचा का बस स्टैंड के पास हूं, ये देख सकते हैं बस स्टैंड, बगीचा बस स्टैंड का सीन, आपको रुके मैं बैक कैमरा से दिखाता हूं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यही है बगीचा का बस स्टैंड। तो फ्रेंड्स यार मैं तो पहुंच चुका हूं, भैया को कॉल वॉल करने, मेरे को थोड़ा सोचना पड़ रहा है उनको कॉल करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अपना गाड़ी वाड़ी में होंगे या फिर क्या पता आए हैं कि नहीं, मैसेज तो कर दिया हूं, चलिए अगर आए होंगे तो रिप्लाई ज़रूर देंगे, और मेरे से बोले हैं कि मिलूंगा। तो फ्रेंड्स अभी उनका वेट कर लेता हूं, और एक मेरा फ्रेंड भी आ रहा है बगीचा से, उनका घर करीबन 15-20 किलोमीटर है, वो भी आ रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स उनका इन दोनों का वेट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर दोनों से मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं विपिन के भैया और दीपक का वेट कर रहा था, यही है दीपक, इसका यूट्यूब चैनल का नाम है दीपक सरपाठिया, जाइएगा उसका चैनल को चेकआउट कीजिएगा, उनका चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग इसके साथ जा रहे हैं अभी विपिन के भैया के पास, और सचिन ऑटोमोबाइल वहाँ है जो जैन मंदिर के बगल में, वहाँ पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। तो दीपक चलो चलते हैं वहाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग भी चलिए चलते हैं यार। फ्रेंड्स मैं उतना दूर से आया था, देखे आप, तो उतना दूर से आने का मेरा फल भी मिल गया, भैया मिल चुके हैं यहाँ पर, सचिन ऑटो यहाँ जो बगीचा में होता है, बाइक सेंटर है यहाँ पर, मिले हैं शोरूम है। तो फ्रेंड्स यार चलिए आपको भी मिलाता हूँ उनसे, हमारे क्षेत्र के दो यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं, सरोज भगत और विपिन के ब्लॉग, आज मैं सबसे बड़े यूट्यूबर से मिला जो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में है, और अन्य क्षेत्र में भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे क्षेत्र में, बट ब्लॉगिंग के क्षेत्र में दो ही यूट्यूबर हैं, सरोज और ये भैया जी। तो चलिए मिलाता हूँ आपको भी ये भैया जी से। तो भैया जी स्वागत है मेरा आपका मेरा चैनल में आपको, और बताइए उतना दूर से यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा कुछ ज़रूरी काम था तो वाइफ के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे काम करवा रहे हैं। तो सूरज भाई बहुत दूर से मेरे से मिलने के लिए आया, बहुत अच्छी बात है, और ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है बढ़िया से, तो मेरे से बहुत पहले से ही कॉन्टेक्ट हुआ, बात हो ही रहा था, तो मेरे को बोला कि भाई आज फ्री हो, मेरे को लगभग एक सप्ताह पहले से ही बोल रहा था कि फ्री हो कि नहीं, तो फिर मैं हमेशा उधर उधर होते रहता हूँ, तो आज मेरे को बगीचा होना हुआ अचानक से, तो यहाँ पे अभी मैं अपना काम करवा रहा हूँ, तो सूरज भाई को बोल दिया कि आओ यहाँ पे मिलते हैं, बात करते हैं,
तो बहुत अच्छा लगा सूरज भाई मेरे से मिलने के लिए आया। और दोस्तों ये भी बहुत मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी इनको सपोर्ट करो, क्योंकि ये ऐसा है जो बहुत छोटे छोटे विलेज से बिलोंग करते हैं तो फिर बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो बस आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत रहता है। तो आप लोग ना अपना सपोर्ट अपना प्यार बना के रखिए, और ऐसा ही अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो अपना सूरज भाई अभी ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। तो बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस सूरज भाई को सपोर्ट करो और इनके चैनल में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो दोस्तों। तो आप लोगों को सूरज भाई कुछ बताया होगा कि मेरे बारे में, तो दोस्तों मैं भी छोटा मोटा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब अभी हमारे क्षेत्र के बड़े यूट्यूबर हैं। एक्चुअली अभी भैया के चैनल में जस्ट कुछ दिन पहले ही 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, तो भैया हमारे क्षेत्र के आप सबसे बड़े ब्लॉगर कहने के लायक हैं और हैं भी। तो आपको कैसा फील होता है इतना बड़े चैनल को क्रिएट किए, इतना मेहनत करते हैं, आप भी डेली यूट्यूब में काम करते हैं, देखता हूँ लिपाई पोताई से लेकर गाँव का हर एक चीज़ को शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को शेयर नहीं करते हैं भैया, गाँव का जिंदगी को हमेशा दिखाते हैं कि कैसे गांव वाले रहते हैं। आप लोग सौरभ जैसी को देखते होंगे, वो आजकल तो पूरा शहर शहर का सिटी सिटी का बनाते हैं, बट गांव से वो भी कुछ दिन पहले गांव जब शुरुआत किए थे तो गांव से ही शुरुआत किए थे। मैं गांव से शुरुआत किया था दोस्तों, और गांव में का हर एक चीज़ लाइफ स्टाइल आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। अगर ऐसा कोई व्यूवर्स होगा जो नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा, चैनल का नाम है विपिन की ब्लॉग, उसमें मैं धीरे से अचानक से शुरू किया दोस्तों और कंटिन्यू कंटेंट डालता रहा, कंटिन्यू मैं मेहनत करता रहा, और आज नहीं तो कल मैं सक्सेस होऊंगा करके सोचा और कंटिन्यू मेहनत करते रहा, और भैया आज के दिन पे सक्सेस हो भी चुके हैं। तो बहुत प्राउड फील होता होगा भैया को, मेरे को पता है कि हमारे क्षेत्र में आप और सरोज ही ऐसा हैं जो थोड़ा बड़े यूट्यूबर हैं, और ब्लॉग आप लोगों को देख के हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो भैया मैं भी ब्लॉगिंग का क्षेत्र में आया हूँ, तो आप किसको देख के ब्लॉगिंग का क्षेत्र में आए, किस यूट्यूबर को देख के ब्लॉगिंग का क्षेत्र में आए? ऐसा तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं किनका नाम लूँ, बहुतों का मैं वीडियो देखता था जो अपना डेली लाइफ स्टाइल दिखाते रहते थे, मैं ऐसा किसी का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुतों का वीडियो देखता था, उन्हीं से मैं सीखा और चालू किया और हमेशा वीडियो डालते रहा, तो फिर आज इस मुकाम में भी खड़ा हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट की वजह से ही है सब। वो तो सही बोल रहे हैं भैया, मेरे लिए इतना कीमती वक्त दिए, मैं भी भैया से मिलने के लिए बहुत दूर से आया था, इतने पता है कि मैं रास्ता में नाश्ता किया क्योंकि घर में खाना भी नहीं खाया था मेरे, भैया बोले थे 10 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं 10 बजे के चक्कर में बहुत स्पीड से भी आया था। चलिए भैया से मुलाकात होकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, भैया भी अपना काम कर रहे हैं, इनका भी कीमती वक्त लिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे चैनल में आने के लिए। और उतना दूर से आए हो, बढ़िया से जाना, धीरे से जाना, हड़बड़ा के मत जाना, और अपने साइड के क्षेत्र को देखते हुए जाना, और बढ़िया लगा होगा इस साइड का क्षेत्र ना। जी 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 हाँ, तो ठीक है भाई को सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों का सपोर्ट के लिए बस आप लोगों का प्यार का जरूरत है, और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए अपना सूरज भाई को। जी जी थैंक यू सो मच भैया मेरे यूट्यूब चैनल में 2 शब्द बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को विपिन के भैया से मिलकर कैसा लगा कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं दीपक के साथ, थोड़ा इधर घूम लेते हैं, इसके बाद में फिर चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं घूमने फिर। फ्रेंड्स यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बगीचा का राजपुरी झरना, बगीचा आए और राजपुरी झरना ना आए तो क्या मतलब, राजपुरी झरना यहाँ का सबसे अच्छा वाटरफॉल है, जलप्रपात है, आपको भी दिखाता हूँ कितना बेहतरीन है। और आप भी कभी आया करना यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ आने से ऐसा लगता है जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम में जाके चेक करना कैसे लगता है बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला है देखो राजपुरी झरना, रुकिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो फ्रेंड्स आपको राजपुरी झरना देख के कैसा लगा कमेंट में बताना। और इधर है दीपक, हम लोग इसके साथ आए थे, बहुत घूमे फिरे, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से झरना के पास, बहुत अच्छा अच्छा सीन आया और अच्छा अच्छा सीन में फ़ोटो वोटो खिंचाए हैं, इंस्टाग्राम में जाना लाइक वाइक कर देना, सेम नाम से है
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अब मैं घर चलता हूँ। अभी दीपक के साथ जाएंगे हम लोग बस स्टैंड, इसके बाद दीपक अपना घर जाएगा, फिर मैं अपना घर जाऊँगा। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, चले चलते हैं। तो फ्रेंड्स यार अभी हम लोग बगीचा का बस स्टैंड में हैं और ये है दीपक, ये अभी अपना घर जाएगा। अभी मैं अपना घर जा रहा हूँ, अभी मेरे को जाते जाते शाम हो जाएगा। तो दीपक अच्छा से घर जाना, तेरा घर भी नज़दीक है, मेरा घर तो दूर है, तो मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चले चलते हैं अब घर यार। तो फ्रेंड्स यार मैं भी घर पहुंच चुका हूं और एकदम सुरक्षित गया, सुरक्षित आया। विपिन के भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, दीपक से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलता हूँ आपसे।